हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है मोबाइल मार्केटिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल से मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वो कौन कौन सी टैक्टिक्स है जिनको आपको यूज करना है, आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना के कहाँ चेक कर सकते हैं कि वो कितनी मोबाइल फ्रेंडली है, उसके अलावा कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और SMS मार्केटिंग के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। तो इस ट्यूटोरियल को आप एंड तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। मोबाइल मार्केटिंग इज ए मल्टी चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक फोकस्ड एट ए रीचिंग ए स्पेसिफिक ऑडियंस ऑन देयर स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स, टैबलेट्स और एनी अदर रिलेटेड डिवाइसेस थ्रू वेबसाइट, ईमेल, SMS एंड MMS, सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशन। तो इतने सारे वे हैं जिनसे आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप मार्केटिंग मोबाइल पर कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मोबाइल मार्केटिंग। इंडिया में 813 मिलियन लोग यूज करते हैं मोबाइल को, यानी 81 करोड़ लोग मोबाइल को यूज करते हैं। अगर टोटल स्मार्टफोन की बात करें इंडिया में तो वो 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऐसे भी लोग हैं जो एक साथ दो दो डिवाइसेस को रखते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो पर मंथ 8.3 गीगाबाइट डेटा यूज करते हैं ऑन एन एवरेज, जो भी मोबाइल यूजर्स हैं। एडिंग द पोटेंशियल फॉर इंडियाज इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस कुड रीच 835 मिलियन बाय 2023। एक सर्वे के अनुसार 2023 में 835 मिलियन लोग तो इंटरनेट का यूज करने लगेंगे इंडिया में। अगर सीधी सी भाषा में मैं कहूँ तो मोबाइल मार्केटिंग में आप टारगेट करते हैं मोबाइल डिवाइस यूजर्स को थ्रू कैंपेन और एनीथिंग। मोबाइल यूज इज ग्रोइंग फास्टर देन ऑल ऑफ गूगल्स इंटरनल प्रिडिक्शन। जो गूगल की प्रेडिक्शन थी या फिर इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनीज हैं एज लाइक एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन इंक्लूडिंग BSNL, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो मोबाइल यूजर्स हैं वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे। और 2015 के बाद जहां जियो वेव स्टार्ट हुई इंडिया में, उसके बाद मोबाइल के जो यूजर्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़े। मैं तो कहूँगा कि वो एक्सप्लोड हो गए, चाहे वो रूरल एरियाज की बात करें हम या अर्बन एरियाज की बात करें, सेमी अर्बन एरियाज सब जगह बहुत ज्यादा मोबाइल अब हो गए हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी जान पाए कि आप मार्केट में जब आए तो आप कितनी आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। सो व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड मोबाइल मार्केटिंग, वो कॉन्सेप्ट एक बार जान लीजिए आप। मेक योर साइट मोबाइल फ्रेंडली, सीधी सी बात यूजर इंटरफेस की बात हो रही है यहाँ पे। यूजर इंटरफेस अच्छा होगा तो यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा, इसके बारे में हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं। क्रिएट मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट बनाएं आप अपने मोबाइल के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटी जेनरिक पोस्ट हो मोबाइल के लिए और इमेजेस अच्छी हों, जल्दी लोड हो जाए, तो वो कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली होता है। टेक योर ब्रांड टू मोबाइल यूजर्स, मोबाइल पे एक सबसे अच्छी बात यह है यहाँ से लोग शेयर बहुत जल्दी कर सकते हैं चीजें। अगर आपके पास कोई बड़ी डिवाइस है एज लाइक डेस्कटॉप या लैपटॉप तो आप वहाँ से आप शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर मोबाइल यूजर्स को शेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गेट लोकल विद गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस गूगल की एक सर्विस है जहाँ पे आप अपने फिजिकल स्टोर को रजिस्टर करा सकते हैं और आप इसमें कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट दिखाऊंगा तो वहां से आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। यूज टेक्स्ट मैसेज SMS मार्केटिंग, आप SMS मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं और इंडिया में भी काफी कंपनीज हैं आज की डेट में भी SMS मार्केटिंग का यूज करती हैं। एयरटेल करती है, टेलीकॉम कंपनियां तो लगभग सारी करती हैं, उसके अलावा नेटमैट्स कर रही है आजकल, 1 मिलीग्राम कर रही है, तो बहुत सारी कंपनीज SMS मार्केटिंग का बहुत अच्छे से यूज कर रही हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी ट्यूटोरियल में या फिर अगले ट्यूटोरियल में। मेक योर साइट नेविगेबल, नेविगेबल का मतलब है कि अगर लोग आपकी वेबसाइट को मोबाइल पर ओपन करें तो उनको पता होना चाहिए कि उनको कहाँ जाना है। इसके लिए आप या तो उसमें कोई छोटा सा ट्यूटोरियल जोड़ सकते हैं शुरू में कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी है, यहाँ जाना है, यहाँ से ये लिस्ट ओपन होगी, जैसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे जाके भटके ना और वो खो ना जाए कि उसको क्या करना है। एड ए पर्सनल टच, क्रिएट QR कोड फॉर क्विक एक्सेस, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो QR कोड को जनरेट कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए या वेबसाइट के लिए पेमेंट के लिए, तो
क्यूआर कोड जनरेटर का आप यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर लिंक उससे अटैच हो जाता है और वो ओपन हो जाता है। क्रिएट मोबाइल एप्स, आप मोबाइल एप्स भी बना सकते हैं। अगर मोबाइल एप्स बनानी है और आपको कोडिंग नहीं आती है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना कोडिंग के भी आजकल मोबाइल ऐप बना सकते हैं, कई सारे टूल्स मौजूद हैं। एनकरेज सोशल एंगेजमेंट, आप अपनी वेबसाइट में सोशल एंगेजमेंट को एनकरेज करें, लोगों को पास लाएं ताकि वो आपकी बात सुने। अनेबल रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर एप्लीकेशन, गूगल एनालिटिक्स में भी आपको पता चल जाएगा रियल टाइम ट्रैकिंग अपनी एप्लीकेशन की भी और अपनी वेबसाइट की भी दोनों की। यूज मल्टी चैनल कैंपेन, जो आप एड बना रहे हैं या कैंपेन्स बना रहे हैं वो मल्टी चैनल होना है। मेक मोबाइल द हार्ट ऑफ योर बिजनेस, मोबाइल एक डिवाइस है जिसका आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आप अपने जो मोबाइल है उसका बहुत अच्छे से यूज करें और जो मोबाइल यूजर है उनको आप कस्टमर में कन्वर्ट करें। तो ट्रेंड क्या है मोबाइल मार्केटिंग का, जैसे हमने पढ़ा था सोशल मीडिया का ट्रेंड, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल मार्केटिंग का ट्रेंड क्या है, किस तरीके से लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं और आने वाले दिनों में करेंगे। द टाइम स्पेंड ऑन मोबाइल बाय एन यूजर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये सब आप इससे वाकिफ होंगे और आपको पता भी होगा, आप भी मोबाइल पर बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे आजकल दिन में। इंडियन स्पेंड 70% ऑफ मोबाइल इंटरनेट टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो दैट इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू मीट योर ऑडियंस। सीधी सी बात है, जब इतना लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप आराम से उनको अपना ऐड शो कर सकते हैं। हेयर आर द 6 ट्रेंड टू एनहांस योर मोबाइल मार्केटिंग, तो जो 6 ट्रेंड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि आपको कहाँ कहाँ फोकस करना है और कौन कौन से ट्रेंड्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद एडवर्टाइजिंग, मोबाइल मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग बढ़ रही है। यहाँ जो इमेज आपको दिख रही है, फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करूँ मैं तो एक्सपेंडिचर इन बिलियन इंडियन रुपीज, 210 बिलियन रुपए हम खर्च करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 में डिजिटल मार्केटिंग पे, और वो भी मोबाइल सेक्टर में। ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो सकता है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आजकल गतिविधियां रुक गई हैं, पर अगर आप इंक्रीमेंट देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये, और 2024 तक जो फ्यूचर स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये बताती है 539 बिलियन इंडियन रुपीज हम यूज करेंगे वहां पे। बिलियंस का मतलब है अरब, 539 अरब रुपए हम यूज करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में टू फॉर मोबाइल डिवाइसेस, केवल मोबाइल मोबाइल से। इन फिजिकल ईयर 2019 द टोटल डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अक्रॉस इंडिया अमाउंटेड टू बी 160 बिलियन इंडियन रुपीज, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 28% है और 5 साल में ये 539 बिलियन डॉलर हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है या कोई भी एप्लीकेशन जब मार्केट में आती है, जैसे स्विगी आई थी या जोमेटो आई थी, ओला उबर, बहुत सारे ब्रांड आए थे, तो इनकी जो फंडिंग होती है शुरू में, ये ज्यादातर जो पैसा है वो मार्केटिंग में ही लगा देते हैं। ऐसा भी कहना है लोगों का और ये बात सामने भी आई है कि लगभग 70% तक पैसा जो फंडिंग से मिलता है एंजल फंडिंग का, वो लोग मार्केटिंग में ही लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का बजट बहुत ज्यादा होता है शुरू में, और जैसे जैसे एप्लीकेशन के डाउनलोड या उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, लोग उसको डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वो एडवर्टाइजिंग का बजट कम करते जाते हैं, मतलब परसेंटेज में कम करते जाते हैं। पैसा तो बढ़ेगा ही लेकिन परसेंटेज में वो कम होता जाएगा। पहले टोटल रेवेन्यू का 70% यूज हो रहा था, आगे चल के फिर वो 50% हो जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे वो परसेंटेज में कम होता रहेगा। तो एडवर्टाइजिंग मोबाइल मार्केटिंग की बहुत पावरफुल टूल है और बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं और आप देखते भी होंगे। इंडिया रिमेन्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एड मार्केट इन द वर्ल्ड विद एडएक्स ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 14% इन 2019। एडएक्स जो एजेंसी है जो ये एडवर्टाइजिंग के बारे में सर्वे करती है, उसका बताना यह है कि 2018 से 2019 में 14% की ग्रोथ थी। एडवर्टाइजिंग ऑन मोबाइल इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मार्केटर्स इन द कमिंग ईयर, और आने वाले सालों में एडवर्टाइजिंग मोबाइल पे इतनी आसान नहीं रहेगी क्योंकि कंप्यूटर बहुत बहुत बड़े आ जाएंगे। तो जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है और आप यहाँ से बहुत शुरू कर सकते हैं मोबाइल के क्षेत्र में, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में आप आ सकते हैं अभी। अब ये जो ग्राफ और पाई चार्ट आपको दिख रहा है, एक ये बता रहा है कि टेलीविजन डिजिटल टू लीड सर्च, इंडिया में ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐड करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है टेलीविजन। टेलीविजन एक डिजिटल मीडिया है पर वो ऑफलाइन में आता है, न्यूज़पेपर टोटली ट्रेडिशनल मेथड है, देन आफ्टर इंटरनेट,
बाकी रेडियो, आउटडोर मैगजीन, सिनेमा ये लगभग बहुत कम हो चुके हैं आपके। तो अगर आप वाइडर रीच ऑफ टीवी या टारगेटेड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑनलाइन वीडियो करेंटली वर्किंग बेटर विद एडवर्टाइजर देन अदर्स, तो टेलीविजन की मैं बात करूंगा तो जो बजट है वो है 24,156 करोड़। इतना एक्सपेंडिचर था 2018 में, और 2021 में कितना होगा? 36,510 करोड़। टेलीविजन पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं इंडिया में स्पेशली। अब आप देखिए टेलीविजन सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आ चुकी है, अमेजोन आ चुकी है, नेटफ्लिक्स आ चुकी है, एकता कपूर की बालाजी आ चुकी है, जी आ चुकी है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े भी इसमें बहुत आराम से आ चुके हैं टेलीविजन सेक्टर में। जब से स्मार्ट टीवी आया तो आप इंटरनेट से स्मार्ट टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो डिजिटलाइजेशन है वो टेलीविजन में भी आ रहा है अब, और वो भी ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर एक ऑफलाइन मीडिया है। जितने भी रूरल एरियाज हैं इंडिया में वहाँ ज्यादातर जो खबरें हैं आज भी न्यूज़पेपर से ही पहुँचती हैं, इसलिए न्यूज़पेपर में भी काफी सारे लोग ऐड करते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो रूरल एरियाज में, तो आप न्यूज़पेपर से वहां पहुंच सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो 2019 में था न्यूज़पेपर का वो है 22,341, और 2021 में है 25,408 करोड़। लेकिन जैसे ही आप टेलीविजन और न्यूज़पेपर को जो आंकड़े हैं, जो स्टेटिस्टिक्स है, अगर इनको देखें तो इनमें चेंज ज्यादा नहीं है, कम है। टेलीविजन में है 12 करोड़ रुपए का चेंज, लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करें तो 2018 में 9,752 करोड़ था, जो कि 2021 में 20,913 करोड़ हो जाएगा। परसेंटेज में देखिए बहुत ज्यादा ग्रो करेगा इंटरनेट मार्केटिंग में। तो अभी आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, 2020 चल रही है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आखिरी साल है, या फिर इसके बाद एक साल और मिलेगा आपको 2021, उसके बाद डिजिटलाइजेशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उस पर ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं। कई सारी डिजिटल एजेंसीज काम कर रही हैं अभी भी, और वो कई लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर रही हैं। और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें इतने सारे सेक्टर्स हैं, आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं या फिर आप अपना भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि इंटरनेट का जो रेशो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग को पहले ऑनलाइन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग ही बोलते थे। जैसे जैसे समय बदलता गया, डिजिटल डिवाइसेस आती गई दुनिया में, तो इसका नाम डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अब जो एड मोबाइल पर आ रहे हैं उसमें लोगों की क्या क्या राय है, 48% कहते हैं टू मैनी एड्स, और ये बात बिल्कुल सही है। आजकल जो गेमिंग ऐप हैं प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगी, मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन पे इतने सारे ऐड आते हैं कि उनका यूजर इंटरफेस भी खराब हो जाता है और यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। वो एप्लीकेशन अच्छी है, उनके गेम्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, पर वो इतने ऐड दिखाते हैं कि उससे उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगती है। एड्स आर एनोइंग और इररिलीवेंट। जो ऐड आ रहे हैं वो या तो एनोइंग है या फिर इररिलीवेंट है, उनका कोई मतलब नहीं है। 44% लोग कहते हैं एड्स आर टू इंटरसिव, वो दखल दे देते हैं, आप गेम खेल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, बीच में ऐड आ गया, पूरी फुल स्क्रीन पे ऐड आ जाता है। तो उसके बाद है एड कंटेन्स वायरसेस और बग्स, एड में वायरस है और बग्स हैं। बहुत सारे ऐसे ऐड आ जाते हैं जो किसी मतलब के नहीं होते हैं, आप कहीं और क्लिक करेंगे कहीं और पहुंच जाएंगे। एड्स टेक अप टू मच स्क्रीन स्पेस, 38% लोग ये बात कहते हैं कि जो स्क्रीन का स्पेस है वो तो ऐड ही घेर लेते हैं, हमें तो मैटर पड़ ही नहीं सकते। स्पीड अप पेज लोडिंग टाइम 33%, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेज लोडिंग टाइम्स हैं वो स्पीड अप नहीं हो पाती एड्स की वजह से, वो लेट आते हैं, एड पहले लोड हो जाता है और जो कंटेंट है वो लोड होता ही नहीं है। अवॉइड वीडियो एड्स ऑन टीवी ऑनलाइन, अवॉइड वीडियो एड्स बिफोर वॉचिंग क्लिप्स एंड शोज, यूट्यूब पे वीडियो आता है उससे पहले ऐड आता है, कई सारे लोग उसे हेट करने लगते हैं, कभी कभी अब तो दो दो ऐड भी आने लगे हैं, तो वो काफी सारी प्रॉब्लम है एडवर्टाइजिंग की। एड माइट्स कॉम्प्रोमाइज माई ऑनलाइन प्राइवेसी, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज गलती से देख ली तो वो फिर आपके रिटारगेटेड एड्स में आती रहेगी, और आप उसको रिपोर्ट करोगे तो वो रिपोर्ट कर लेगा, लेकिन फिर से ही वो वही एड दिखा देगा।
टू स्टॉप माई डाटा बींग यूज अप, आपका डाटा बेफालतू में यूज हो जाता है, स्टॉप डिवाइस बैटरी बींग ड्रेन, स्टॉप एड्स बींग पर्सनलाइज। तो ये सारी प्रॉब्लम है एडवर्टाइजिंग की, ये ट्रेंड इस समय मोबाइल में चल रहा है। स्पेशली अगर मैं डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की बात करूँ, जो मोबाइल पे भी हो सकती है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, उसको लोग अब बहुत कम पसंद करते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो केवल 4% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ये बोला है कि हाँ डिस्प्ले एड मेरे को अच्छे लगते हैं। 96% लोगों ने बोला है कि उनको डिस्प्ले एड अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ट्रेंड है इसलिए लोग उसको रन करते हैं। इसलिए जो फेसबुक मार्केटिंग है या फिर सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, क्योंकि आधी जो पब्लिक है वो यही कह रही है टू मैनी एड्स। 48% लोग अगर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, इसका मतलब सही में प्रॉब्लम है, हर कोई आदमी एडवर्टाइज कर रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है इसके लिए कोई लॉ भी आ जाए कि आप इतनी देर से ज्यादा का ऐड किसी मोबाइल डिवाइसेस पे या डिजिटल डिवाइसेस पे नहीं दिखा सकते। द फेवरेट थिंग एप्लीकेशंस, आजकल हर कोई मोबाइल पे एप्लीकेशंस को यूज करता है और बहुत ज्यादा यूज करता है। द मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट इज ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर नाउअडेज। आजकल हर चीज की एप्लीकेशन है दुनिया में। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द ग्लोबल मोबाइल एप्लीकेशन इंडस्ट्री हैज स्काई रॉकेट। ऑनलाइन न्यू आउटलेट्स, लाइफ स्टाइल एंड फैशन ब्लॉगर्स, रेस्टोरेंट, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड हेल्थ एंड फिटनेस डू रियली वेल इन एप्लीकेशन सेक्टर। वट दट डजेंट मेक दैम एनी लेस ऑफ ए पावरफुल टूल वेन यूज बाय राइट बिजनेसेस। कंज्यूमर डाउनलोडेड 170 बिलियन एप्लीकेशन इन 2017 एंड द नंबर इज क्लाइंबिंग। यंगर स्मार्टफोन यूजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन मोबाइल्स। जब फेसबुक की एप्लीकेशन आई थी सिम्बाइन फोन में इन 2012 और 13, तो लोग सोचते थे कि इससे बड़ी एप्लीकेशन और कौन सी आ सकती है। 2012 में ही इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर हुई थी, अपनी कंट्री में नहीं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, और वो फेसबुक ने उसको एक्वायर कर लिया। आफ्टर दैट कि कौन सी ट्विटर आई, फिर उसके बाद टिकटॉक आ गई। तो ऐसे करके बहुत सारी एप्लीकेशन मार्केट में आती रहती हैं। अब आप देखेंगे कि टिकटॉक जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन इंडिया में भी हैं, हेलो है, जिली है, लाइकी है। तो धीरे धीरे ना एप्लीकेशन का ट्रेंड अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अभी भी टाइम है आपके पास कि आप अगर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये ऐसे बढ़ रहा है जैसे रॉकेट जाता है ना स्काई में, उस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन का बिजनेस बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जो फंडिंग करने को तैयार बैठे हैं। ग्रेट आइडिया की कमी नहीं है दुनिया में, लोग आइडिया बताते हैं इन्वेस्टर को और वो फंडिंग भी करते हैं और वो उससे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न भी करते हैं। तो चैनल यूज टू जनरेट सेल्स, जो इमेज है उसमें आपको दिखेगा कि ऐसे कौन कौन से चैनल हैं जो सेल को कैसे जनरेट करते हैं। 79% फ्रॉम स्टोर्स, 73% फ्रॉम वेबसाइट, 25% मोबाइल एप्लीकेशंस। तो जो 73% वेबसाइट और 25% मोबाइल एप्स, अगर ये दोनों मिला लें तो लगभग 98% ये बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा है। फ्रॉम कैटलॉग इट इज 24%, थर्ड पार्टी ऑमनी चैनल प्रोवाइडर 21%, कॉल सेंटर 18% एंड अदर 4%। फिजिकल स्टोर तो रहेगा ही, इंडिया जैसी कंट्रीज में जो डेवलपिंग है फिजिकल स्टोर पे तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, पर उसके अलावा 73% लोग वेबसाइट से ही सामान ले रहे हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ई कॉमर्स वेबसाइट है इसमें, और उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन, इन सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनकी एप्लीकेशन भी है, तो लोग वहां से भी सामान ले रहे हैं। तो थर्ड पार्टी में भी 21% का है। तो ये सारी बता रहा है कि एप्लीकेशंस कितनी ट्रेंडिंग है मोबाइल मार्केटिंग में। गेमिफिकेशन, ये मेरा एक पसंदीदा सेक्टर है गेमिफिकेशन। ओनली 65% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स हैव गेम एप्स ऑन देयर फोन। उनमें भी ऐसे लोग जाना है जो टीनेजर हैं या जिनकी एज 25 साल तक है। वाई गेमिफिकेशन वर्क, फन, कन्वीनियंट, गिव शॉपर्स द एबिलिटी टू स्पीड अप देयर चेकआउट टाइम। अगर मैं गेम्स की बात करूँ, लाइक पबजी या फिर और भी बहुत सारे गेम हैं जिसको लोग खेलते हैं, GI Joe, रिटेलिएशन और पता नहीं क्या क्या। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो गेम्स के लाइव वीडियो भी डाल देते हैं।
तो गेमिफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस समय एप्लीकेशन में। अगर 65% लोगों के स्मार्टफोन में गेम की कोई एप्लीकेशन है तो इसका मतलब वो यूज करता है। कई गेम बहुत सारे अच्छे होते हैं, जैसे कैंडी क्रश सागा है, या फिर ब्रेन आउट है, या फिर BB10 है। बहुत सारे ऐसे छोटे गेम्स भी हैं जिनको आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं और वो ज्यादा मेमोरी को एलोकेट नहीं करते। द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग गेम्स मैकेनिक्स एंड गेम डिजाइन टेक्निक्स टू एंगेज एंड मोटिवेट पीपल टू अचीव देयर गोल्स। गेमिफिकेशन टैप्स इनटू द बेसिक डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द यूजर इंपल्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ स्टेटस एंड अचीवमेंट। गेमिफिकेशन का आइडिया बहुत अच्छा है। अगर अगर आप कैंडी क्रश खेलते हैं तो उसमें पहली लाइन लिखी आती है कि मेक योर स्ट्रेस आउट, मतलब आप अपने स्ट्रेस को कम कर लीजिए गेम खेल के। तो ऐसा होता है कि लोग जब बोर हो रहे होते हैं तो वो मोबाइल में गेम खेल लेते हैं, और उसी चीज का फायदा कई सारी कंपनीज उठाती हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल मोबाइल एप्लीकेशन आर गेम एप्लीकेशन, 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है गेम एप्लीकेशन ज्यादा होती हैं, 2.5 गुना ज्यादा होती हैं। सर्च, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, अगर आप कहीं फिजिकल लोकेशन पर आपका ऑफिस है, तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। हेयर आर सम पॉइंट्स फॉर थिंक अबाउट। वुड योर साइट बेनिफिट फ्रॉम हाइपर लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? वी ऑलरेडी सीन व्हाट स्पेसिफिक सर्च कैन डू फॉर यू गूगल शॉपिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग। रिसर्चर्स ऑल्सो शो दैट 30% ऑफ सर्चेज ऑन गूगल आर लोकेशन बेस्ड। द पास्ट ईयर हैज सीन ए 2.1 टाइम्स इंक्रीज इन मोबाइल सर्चेज। 76% ऑफ पीपल हु सर्च फॉर समथिंग नियर बाय एंडिंग अप विजिटिंग द प्लेस। 28% ऑफ दोज मोबाइल सर्चेज लेड टू परचेज। योर मोबाइल डिवाइस इज नॉट लाइक योर डेस्कटॉप कंप्यूटर। रिसर्च फ्रॉम गूगल शोज दैट 70% ऑफ रिक्वेस्ट मेड थ्रू गूगल असिस्टेंट्स आर नेचुरल फ्रेजेस इंस्टीड ऑफ ट्रंकेटेड सर्च टर्म्स यू वुड नेवर हियर इन स्पोकन लैंग्वेज। ये जो बात हो रही है, ये पूरी बात हो रही है गूगल बाय बिजनेस की, जिसमें हमें देखना पड़ेगा व्हाट वुड बी द साइड बेनिफिट फ्रॉम ए हाइपर लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन मेरे सिटी में बाहर से आया है जिसको यहाँ की नॉलेज नहीं है और उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, तो वो अपने मोबाइल पर क्या सर्च करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, पेट्रोल पंप नियर मी। जब वो सर्च करेगा पेट्रोल पंप नियर मी, तो उसको गूगल कई सारे एड्रेस और पेट्रोल पंप की लोकेशन बताएगा। तो 76% चांस है कि वो जो आदमी है जो पेट्रोल पंप को ढूंढ रहा है वो मेरे पेट्रोल पंप तक आ जाए, और 76% बहुत ज्यादा चांस होता है। 28% ऑफ दोज मोबाइल यूजर्स सर्च लेड टू ए परचेज। मान लीजिए उसकी मोबाइल की केबल खराब हो गई है, वही पर्सन जो पेट्रोल डलवा रहा था अभी, उसने पेट्रोल डलवा लिया, अब उसको USB केबल चाहिए, तो वो फिर से सर्च करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नियर मी, तो उसको पता चलेगा वहां आसपास कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। तो 28% चांस ये है कि वो वहां से, जिसका उसको एड्रेस मिलेगा वहां से वो खरीद सकता है। तो ये हाइपर लोकल सर्च ऑप्टिमाइजेशन की पावर है। अब रिसर्च क्या बताती है, 30% ऑफ ऑल सर्चेज ऑन गूगल आर लोकेशन बेस्ड। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी अच्छे क्लब में जाते हैं, तो आपके जो गूगल है या आप उसके आसपास की लोकेशन पर रहते हैं, तो वो बता देता है कि आपके आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं, आप टाइम पास कर सकते हैं वहां जाके, आप चिल आउट कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। 2019 में जो सर्चेस थी मोबाइल पे वो लगभग 2 गुना बढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल? न्यू टेक्नोलॉजीज हैव सम टेक्निकल इश्यूज इन विच एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सिक्योरिटी। ऑनलाइन मार्केटर्स आर अवेयर फ्रॉम इट, बट कस्टमर्स आर मोर अवेयर फॉर पेइंग बक्स ऑनलाइन, दे आर मोर कंसर्न अबाउट इट। ए सर्वे इंडिकेटेड दैट रफली 2/3 ऑफ कंज्यूमर्स आर टू नर्वस टू शॉप ऑन देयर मोबाइल फोन, दे आर अफ्रेड ऑफ फिशिंग स्पूफिंग एंड हैकिंग। वॉकर स्टैंड फाउंड दैट 61% ऑफ एप्लीकेशन वुड नॉट यूज ए मोबाइल ऐप ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। बिजनेसिस नीड रिगरस सिक्योरिटी सिस्टम इफ दे वॉन्ट टू रीच द मोबाइल ऑडियंस। ये सारी बात एक तरफ हमें ले जाती है कि सिक्योरिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, और देखा होगा आपने कई सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, न्यूज़ में भी हमें सुनने को मिलते हैं, इंटरनेट पे भी आते हैं कि इतने रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए, वो
जो कार्ड था वो क्लोन कर लिया गया, या फिर कुछ ऐसी सर्विसेज या ऐसी एप्लीकेशन आई कि उन्होंने पेमेंट कर दिया तो बदले में उनको वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, उसकी बजाय कुछ और पहुंच गया। तो सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं और टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। आपको इंक्रिप्शन सिस्टम लेना पड़ता है, 120 बिट सिक्योर है, 64 बिट सिक्योर है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। दो तिहाई से ज्यादा लोग पेमेंट करने में घबराते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप इस स्टेटिस्टिक्स को देखें, विच वन ऑफ दीज फैक्टर्स मेक यू हेजिटेट टू यूज मोबाइल पेमेंट सर्विस? मोबाइल पेमेंट करने में आपको क्या हिचकिचाहट होती है? तो 61% लोग कहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, 58% लोग कहते हैं प्राइवेसी कंसर्न, नो एक्सेप्टेड वाइडली एनफ, रिटेलर्स नॉट प्रिपेयर्ड, कन्वीनियंस ऑफ करेंट पेमेंट मेथड 24%। केवल 14% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नो हेजिटेशन, जो मेरी तरह है। क्योंकि तो आजकल क्या होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें डिससिमिलैरिटी क्या है, अलग बात क्या है, वेस्टर्न जितनी भी कंपनीज होती हैं वो कोई भी सर्विस शुरू करने से पहले आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर पहले ही ले लेती हैं, और जिस दिन पे पेमेंट होना होगा वो आपको बिना मैसेज करे पेमेंट काट भी सकती हैं, और उनके लिए ये नॉर्मल चीज है। बट इंडियन कंट्रीज में यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपसे पेमेंट अगर बिना पूछे ले लिया उन्होंने तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अपने कोई कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं करता है। पेमेंट होने से पहले लोग पूछते भी हैं आपसे और बताते भी हैं कि आपके अकाउंट से इतना रुपया डिडक्ट होने वाला है या होगा, सारी चीजें क्लियर होती हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न यहीं से अराइज होते हैं कि जो मेरा पैसा है वो सिक्योर है या नहीं है। जैसे आप अमेजोन से या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदते हैं तो आपके कार्ड की डिटेल को सेव कर लेता है। तो लोग कहते हैं जब ये मेरे कार्ड की डिटेल को सेव कर सकता है तो इसको सब कुछ पता होगा, ये मेरा पेमेंट भी ले सकता है, मेरे कार्ड में से पैसे भी निकाल सकता है, फिशिंग कर सकता है, स्पूफिंग कर सकता है, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न अराइज हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो ब्रांड सिक्योर हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं और उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत बड़ी चीज हो जाती है शुरू में। इसलिए जो नो हेजिटेशंस हैं वो केवल 14% लोग इस श्रेणी में आ रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती इस ऑनलाइन पेमेंट को करने में। तो जब भी आप मोबाइल से डील करें तो आप सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखें, पेमेंट गेटवे के लिए अच्छा सा सिक्योरिटी सॉकेट लेयर यूज करें आप, ताकि आपके पेमेंट पे कोई हैकिंग ना कर सके। द लास्ट थिंग इज वीडियो, जो ट्रेंड्स है उसमें आखिरी चीज है वीडियो। द वीडियोज आर द कंटेंट विच इज इजी टू डाइजेस्ट, इट इज द मोस्ट लवेबल फॉर्म ऑफ द कंटेंट। इफ यू क्रिएट वीडियो कंटेंट फॉर योर वेबसाइट यू नो वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंटेंट। वीडियोज आर द फेवरेट कंटेंट फॉर द मोबाइल ऑडियंस। अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट इन 2016 60% ऑफ मोबाइल ट्रैफिक कम्स फ्रॉम वीडियोज। बाई 2021 ओवर 75% ऑफ मोबाइल डेटा ट्रैफिक विल कम फ्रॉम द वीडियोज। Salesforce also recognized the strength of mobile video in the hands of business to business businesses. Based on their research, they found 90% of B2B buyer journey takes place from a mobile device. 87% of marketing professional use video as a marketing tool. तो आप सबको पता होगा कि लाइव वीडियो जो मैंने फेसबुक मार्केटिंग में बताया था जिसके बारे में, और यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने इसके बारे में बताया था, बहुत ही पावरफुल चीज है आज की डेट में। आप वीडियो के थ्रू बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की और अपने बिजनेस की। वीडियो को लोग पसंद करते हैं और ये बहुत लवेबल फॉर्म है मार्केटिंग की। आप वहां पे डेमो दे सकते हैं लोगों को, आप वहां पे लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, आप वहां लोगों को एडुकेट कर सकते हैं, बहुत सारी तरीके से आप एक अच्छा कंटेंट लोगों तक भेज सकते हैं और लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं। तो जो ट्रेंड सेटिंग है मोबाइल मार्केटिंग में उसमें है वीडियो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। तो मैं अभी आपको सर्च जो ट्रेंड था 4th नंबर पे, मैं उसकी पावर दिखाऊंगा कि आप सर्च को क्यों तवज्जो दें, क्यों आप अपने आप को गूगल माई बिजनेस में रजिस्टर करें और इसके क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं। तो
तो ये गूगल माई बिजनेस का होम पेज है, गूगल की एक सर्विस है। ओवरव्यू, बिजनेस प्रोफाइल, वेबसाइट, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, सारी चीजें आप देख सकते हैं इस पे। गेट कस्टमर विद ए ग्रेट बिजनेस प्रोफाइल, गिव कस्टमर्स मोर वेज टू रीच टू यू, सारी चीजें आ रही हैं। 5 बिलियन सर्च ऑन गूगल फॉर रेस्टोरेंट, 3 बिलियन फॉर होटल्स, जो मैं अभी बात बता रहा था आपको, सर्चेस फॉर ब्यूटी सैलॉन्स, कॉफी शॉप्स। आजकल लोग सब कुछ गूगल पे ही सर्च करते हैं और हाइपर लोकल सर्च उसमें बहुत मदद करता है लोगों की। मैं यहाँ से साइन इन कर रहा हूँ, उसमें साइन इन बटन से ये होम पेज ओपन हो गया है और यहाँ मेरा एड्रेस लिखा आ रहा है, ये लर्न टू अर्न लैब्स जो भी है, फर्स्ट फ्लोर 71 आगरा। यहाँ आपकी परफॉर्मेंस आती है, देखिए कोरोना वायरस की वजह से जो कितने सर्च व्यूज -64%, मैप व्यूज -68%, ये एक्टिविटी 121 जो हमेशा 2000 से ज्यादा रहती है, आज 121 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हर चीज बना सकते हैं। अगर आपको शुरू में, अगर आप गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर करेंगे तो आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, आप अपनी लोकेशन सेट करेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, दो चार इमेज इसमें अपलोड करेंगे, उसके बाद ये आपको 6 डिजिट का एक कोड भेजेगी बाया मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं, जो ट्रेडिशनल मेल है उससे। आपके पास एक इनलाइन लेटर आएगा जिसके अंदर कोड लिखा होगा, आप उस कोड को पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका एड्रेस है या आपका जो बिजनेस है वो उसमें रजिस्टर हो जाएगा। तो वो सारी चीजें करते हैं हम। उसके अलावा आप अगर एडिट करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से एडिट कर सकते हैं, इन्फो सेक्शन से। यहाँ सारी चीजें लिखी आ रही है, लर्न टू अर्न लैब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग सेंटर, ये मैप बना आ रहा है यहाँ पे, व्यू ऑन सर्च, व्यू ऑन मैप्स कैसा दिखेगा, ये सर्विस एरियाज कहाँ कहाँ है, संडे मंडे ये सब क्लोज हो रहा है, आजकल क्लोज ही रहता है, कुछ भी ओपन नहीं है। अपॉइंटमेंट लिंक, आप कहाँ से अपॉइंटमेंट, पूरी इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी रेटिंग है वो भी यहाँ पे दिखती है, इस समय रेटिंग दिखेगी नहीं क्योंकि कोविड की वजह से फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन और रिव्यू सेक्शन शायद बंद चल रहा है। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जब सर्च करके कोई आपकी लैब पे पहुंचेगा इस एड्रेस पे, लर्न टू अर्न लैब पे, तो वो कैसा दिखेगा, व्यू ऑन सर्च ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी आ रही है। वर्क लर्न टू अर्न लैब्स टेम्पररीली क्लोज्ड राइट बाय अर्ना आइकन, ये सारी चीजें लिखी आ रही हैं। यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ रिव्यूज लिखे आ रहे हैं, तो सब चीजें आपके यहाँ रजिस्टर हो जाएंगी। और इसका भी एक लोकल एसईओ, जिसको हाइपर लोकल एसईओ बोलते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है या फेसबुक पेज है वो सब यहाँ पे आने लगेगा और आपकी वेबसाइट भी यहाँ पे रैंक होने लगेगी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो इस तरीके से आप गूगल पे बिजनेस में रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसके अलावा इसका फायदा क्या है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, एक एग्जाम्पल मैंने किया था पेट्रोल पंप नियर मी, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ, पेट्रोल पंप नियर मी, देखिए ये आ रहा है गूगल सर्च, एचपी पेट्रोल पंप, वेबसाइट एंड डायरेक्शन, एसआर ऑयल श्री बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन, वेबसाइट और डायरेक्शन, मॉडर्न सर्विस स्टेशन, डायरेक्शन। तो देखिए कितने आराम से जो मेरे पास है पेट्रोल पंप, मैं आगरा में रहता हूँ और जो मेरे पास है पेट्रोल पंप वो इसने दिखा दिए, उनका टाइम ओपनिंग का, उनकी वेबसाइट, सारी चीजें मेरे को आ रही है। इसलिए आप गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर जरूर करें। अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन पर क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी और मैं उनके पेट्रोल पंप तक पहुंच सकता हूँ। तो इस तरीके से 75% चांस है कि वो लोग मेरे पेट्रोल पंप पे जरूर ही आएंगे और मेरे से सामान परचेज करेंगे। देखिए ये पेट्रोल पंप की लोकेशन दिखा रहा है मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर, और गूगल ने मेरे को बताया कि यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं इसी पेट्रोल पंप के पास जाऊँ और वहां से पेट्रोल खरीद लूँ, अपनी गाड़ी में डलवा लूँ। तो इस चीज का फायदा हो सकता है आपको अगर आप गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। आप गूगल माई बिजनेस में जाएं और अपना बिजनेस रजिस्टर कर दें और उसके बाद सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सिक्योरिटी कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा और आप गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर हो जाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और आपने देख लिया होगा कि जो मोबाइल मार्केटिंग है उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, कैसे आप मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं और उसका मार्केट कितना बड़ा है। और गूगल माई बिजनेस का भी आपको आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजनेस को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।